हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग एंड मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी, बट उठना पड़ेगा क्योंकि मैं कभी कभी रात में पढ़ती हूँ, कभी सुबह उठ के। सो अभी मेरा उठने का टाइम हो गया एंड मैंने डिसाइड किया है कि आज पूरा दिन मैं पढ़ूंगी एंड यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग को। सो बने रहिए इस ब्लॉग में। सो उससे पहले मीट माई कृष्णा जी एंड माई बिग ब्रदर माई डियर हनुमान जी। सो इन दोनों को देख के मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। सो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो मैं कर देती हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन एंड यहाँ पे मैं सेटअप करके फ्रेशन होके मैं वापस आती हूँ, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। सो आपको यहाँ भी मेरे हनुमान जी देखने को मिलेंगे। सो हनुमान जी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। जिन्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ एंड मेरे हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन मेरे हनुमान जी हैं। सो या इनको देख के सुबह सुबह शुरू करो, मीन्स आपका जो मॉर्निंग होगा ना, मॉर्निंग या होल डे आपका बहुत बढ़िया बीतेगा। सो जय हनुमान जी, जय श्री राम। चलो, वैसे यहाँ मैंने बुक रख ही दिया था कल रात कि मुझे जो पढ़ना होता है ना मैं एक दिन पहले रख देती हूँ, एंड मुझे ये भी पढ़ना है एंड इस वाली कॉपी में ना मैं अपने जो रूटीन होते हैं ना मैं इसे लिख लेती हूँ, सो दैट मैं अगले सुबह या अगले डे क्लियर रहूँ अपने विजन के साथ। सो चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ इस व्लॉग। तो बाहर काफ़ी अंधेरा होगा, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा तेज़ यहाँ बात नहीं कर पाऊँगी। आप देख सकते हो ये मेरा हॉल रूम है, सब सो रहे हैं, सो यहाँ पर मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ। आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप मैं शुरू कर रही हूँ अपने पॉलिटी के साथ, यस लक्ष्मीकांत के साथ। तो काफ़ी सारी चीज़ें एंड टॉपिक्स मुझे इससे कवर करनी है आज। वैसे मैं इस बुक को अब 2 times मैंने रीड कर लिया है, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू द 3rd रीडिंग एंड आप देख सकते हो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं। आई डोंट नो हाउ आप लोग किस वे में इसे पढ़ते हो, बट मेरा रीडिंग स्टाइल ऐसा ही है कि मैं फर्स्ट रीडिंग कर लेती हूँ बुक का, देन 2nd रीडिंग, एंड अब मैं जो पढ़ूंगी उसे मैं सिर्फ याद करने के बेसिस पे ही पढ़ूंगी, मैट मीन्स मेमोराइज करने के बेसिस में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं इस चैप्टर को पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सो आज मेरा जो टारगेट है वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा टारगेट मैंने सेट कर लिया अपने लिए। वैसे मैं शुरू कर रही हूँ अभी आप देख सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम एस्पिरेंट्स DPSP कहते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद, वैसे देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे 11 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब 11 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। एंड देन आफ्टर ये फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस यूनिट के आखिरी, मीन्स फर्स्ट यूनिट के आखिरी 4 चैप्टर्स मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी एंड इसके बाद मैं मिलती हूँ आप सबसे। सो हियर आई हैव फिनिश्ड विद माय लक्ष्मीकांत, दैट इज क्वालिटी, एंड आई हैव डिसाइडेड टू फिनिश 4 चैप्टर्स, बट आई हैव फिनिश्ड ओनली 3, एक बज गया, सो आई विल फिनिश इट आफ्टरवर्ड्स। And now I'm going to start with my current affairs class. After the current affairs class, मैं लूँगी breakfast and then after I'm going to restart with my 3rd slot. दोस्तों 16 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो आसाम के अंदर NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, इनकी कुछ बहस सी चल रही है फॉरेनर ट्राइबल्स के जजेस के साथ। ये क्या पर्टिकुलर न्यूज है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले ही मैंने आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताया था WHO की, जिसमें यह बताया गया था कि यूके, यूएस और बहुत सी और कंट्रीज में, लगभग 10-15 कंट्रीज में ऐसे केसेस निकल के आए थे जहां पे वो बच्चे जिनको COVID-19 हुआ था उनके अंदर एक नई है। सुबह के 11 एंड अब मैं निकल रही हूँ फॉर माय लाइब्रेरी। सो मिलते हैं आप सबको लाइब्रेरी के बाद।
आफ्टर कमिंग फ्रॉम लाइब्रेरी मैंने लिया थोड़ा सा नैप, एंड आफ्टर टेकिंग नैप मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ. सो अगर आप अभी तक यहाँ इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच द वीडियो फार, क्योंकि उससे क्या होगा, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एंड उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है. बट इसी तरह आप मेरे वीडियो पे बने रहे और आगे भी और भी ब्लॉग्स मैं ले आऊँगी, और अब ब्लॉग्स जल्दी जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई डियर एस्पिरेंट्स.